फोर आवर्स के लिए रहने वाली हूँ सबसे लंबे नेल्स के साथ, और देखते हैं कि मैं ये चैलेंज कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं। गाइज, लंबे लंबे नाखून आते तो नहीं है बने बनाए, वो मुझे खुद बनाना पड़ेगा, तो मैंने ऐसे वाले फेक नेल्स मंगवाए हैं ताकि मैं इससे ही लंबे नाखून बनाऊं और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाना कि बिल्कुल ही फेक लग रहा है। तो मैंने लेंथ ऐसी रखी है नाखूनों की। चलो अभी मैं मिलती हूँ आपको सारा बनाने के बाद, इसके बाद मैं इसके ऊपर नेल पेंट करूंगी और देखते लोगों का रिएक्शन क्या होता है। नाखून परी आपके सामने आ चुकी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने इस वाले हाथ में क्यों नहीं लगाया, लेफ्ट हैंड में नहीं। तो आप लोग जानते ही होंगे लेफ्ट हैंड का क्या काम होता है। राइट हैंड से बहुत ज्यादा काम होता है और मुझे स्ट्रगल करना पड़े। चैलेंज पूरा अच्छे तरीके से करो यार, तो इसलिए मैंने सोचा कि भैया मैं सारे काम राइट हैंड से करूंगी। और थंब पे इसलिए लगाया है इस हाथ पे क्योंकि थंब के बिना हम कुछ काम ही नहीं कर सकते। और मेरा नाखून फंस गया। अब आप लोग कमेंट में बताना कि मेरे ये नाखून कैसे लग रहे हैं, क्या आपकी जबान से लंबे नाखून है या कम। अब मैं आपको बताने वाली हूँ इस नाखून के फायदे। लंबे नाखून के फायदे ये है कि अगर आपके पास कंघी वंगी नहीं है तो भैया आप ऐसे कॉम कर सकते हैं अपने बालों को। अगर आपके सर में जुए घूम रही है तो आप ऐसी इस चिमटे की तरह से पकड़ सकते हैं और ये देखिए आपकी जुए आपके हाथ में। और अगर आपके नाक कान मुंह और बॉडी में खुजली हो रही है तो आप बंदर की तरह से खुजा भी सकते हो। क्या बात है। तो गाइज अभी मैं देने वाली हूँ अम्मी को एक शॉकिंग सरप्राइज। तैयार हो अम्मी? सरप्राइज है तुम्हारे लिए, बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? नेकलेस, ये है सरप्राइज। बहन डर गई, बहन डर गई। क्या करवा के आई हो? नेल एक्सटेंशन। कैसा लग रहा है? मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था नेल एक्सटेंशन करवा। एकदम बेकार लगता है, तुम लोग के हाथ का पानी भी नहीं पी सकते। अम्मी कैसा, अच्छा तो लग रहा है, देखो ना तुम एक बार छू के देखो। मेरा टच मत करना। क्या लगवा के आई हो फालतू का? सब में पैसा तुम्हारा जाता है। अभी तो पापा नहीं देखे हैं, पापा देखेंगे तो घर में रहने नहीं दे। हटो जा। हां मेरा नाखून, मेरा नाखून। दर्द भी किया क्या, कैसे करी होगी? तुमको अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? निकलो यहाँ से, कटवा क्या पागल की तरह मेरे मुँह पर ला रही है। घर से निकलो, जब ये पूरा हट जाए ना तब मेरे पास आना। चलो भाई। मैं नहीं कटवाऊंगी इसको। तो गाइस अम्मी ने तो बोल दिया है कि जब तक ये हटेगा नहीं तब तक इस घर में आना मत, मतलब उनको पसंद नहीं है लंबे नेल्स, इसलिए मैं जानबूझ के उनके पास ही गई थी प्रैंक करने। जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को फटाफट से कमेंट में नेल वाली इमोजी कमेंट करो। तो चलो अभी चलते हैं सबसे पहले खाने और देखते हैं कि जिससे हम खाना लेंगे उनका रिएक्शन क्या होता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अबे यार तुम हंस रहे मेरे पे। अंदर जाने से पहले मुझे थोड़ा सा देखना है यहाँ पे शॉपिंग के लिए कुछ। अभी मेरा चैलेंज शुरू होते ही यहाँ पे गार्ड ने मना कर दिया कि वीडियो नहीं बनानी, और मेरा नाखून भी टूट गया है यार, अब क्या करूँ मैं। जैसे ही मैं मॉल के अंदर आई वैसे ही आंटी ने बोला कि मेरे बच्चे को इस लंबे लंबे नाखूनों से डराओ, तो मैं भी कम थोड़ी थी मैंने भी डराना शुरू कर दिया। मुझे बहुत परेशानी हो रही है मतलब नाखून से, भूख भी बहुत जोर से लग रही है, पता नहीं मैं खाऊंगी कैसे इससे। भैया एक फ्राइज दे दो। इससे अच्छे नाखून तो मेरे हैं, देखो जी लंबे लंबे नाखून लगा के ज्यादा ही इतरा रही है पागल। इसको यही नहीं पता कि इससे अच्छे नाखून मेरे हैं। ओह थैंक यू। मेरे नेल्स कैसे लग रहे हैं आपको? ठीक ठाक है, सही है। डर तो नहीं लग रहा? नहीं। ओरिजिनल नेल है ये, आपको क्या लग रहा है नकली? नहीं नहीं ऐसा। बहुत मुश्किल से 14 साल में लंबे किए मैंने ये। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। वेरी नाइस। और इस जगह पे तो ऐसा लग रहा था कि आंटी मेरी नाखून से डर रही है और मैं आंटी से। आई डोंट बिलीव दिस, असंभव। अरे भाई बहुत गर्म है। ओ भाई ये क्या है? तो कुछ ज्यादा मुश्किल लग नहीं रहा है। ओ भाई अब दिक्कत हो रही है। अबे यार बहुत मुश्किल हो रहा है खाने में। और जब मैंने नेल्स लगाए थे तो मुझे लगा था मैं आराम से सब कुछ खा लूंगी, पर जब मैंने खाना शुरू किया तो मुझे पता चला ये कितना डिफिकल्ट है और मैं इतना ही खा पाऊंगी क्योंकि ये निकलने का नाम नहीं ले रहा, ना कोई मुझे खिलाने वाला है। साला ये दुख का खत्म होता है। निकल रहा निकल रहा निकल रहा नहीं हो रहा यार, मैं थक गई अब। नहीं 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 मैम साहब, इन लोगों ने आपको नहीं देखा। नहीं 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 देखा, पूरा देखा। गया भैया वॉशरूम किधर है यहाँ का? इधर की साइड, इधर की साइड तो नहीं मिला मुझे। और इस जगह पे मैं भैया को अपने नेल्स बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रही थी पर भैया की नजर ही नहीं गई, उनको दिखाई नहीं कि मेरे इतने लंबे नाखून है, तो मेरा मिशन फेल हुआ यहाँ पे। मेरी फिंगर के लिए ना रिंग चाहिए। मुझे लगता है मेरी नेल्स के लिए ना मुझे इयर रिंग्स लेनी पड़ेगी। गंदे नहीं लग रहे? बहुत अच्छे लग रहे। ऐसे ही रखना।
ये मैंने पता क्यों लंबे किए हैं? इससे लड़ाई होती है मेरी, तो इसका गला वाला दबाने के काम आ जाएगा। वाह क्या सीन है। तो अभी तुम्हारे लिए मैं एक टास्क दे रही हूँ, और वो टास्क ये है कि मेरे पास तुम्हारे लिए है एक कॉइन जिसको मैं रखूंगी यहाँ बीच में सेंटर में, और फिर तुम्हें अपनी लंबे लंबे नाखून लेकर अपने हाथों से उठाना है उसको, और देखते तुम्हें कर पाती हो या नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मजा आएगा बहुत। अब देखते हैं, मैं कॉइन नीचे डाल देती हूँ। चलो अब लग जाओ उठाओ। अबे यार सब मुझे ही देख रहे हैं। गाड़ी आ गई, एक्सीडेंट हो जाएगा। रुको जरा, छोटी बच्ची हो क्या भैया? ये उठा दोगे? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वो है मैं। इतनी बेइज्जती मुझसे हजम नहीं हुई तो और बेइज्जती कराने मैं बाहर चली गई। और यहाँ पर आप भैया को देख सकते हैं कैसे आंखें फाड़ फाड़ के मेरी नाखूनों पे उनकी नजर है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं कॉफी पीने के लिए, और ये रही मेरी कॉफी, स्टारबक्स की कॉफी पीने आई हूँ मैं यहाँ पे। और बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछ रहे हैं, मतलब यहाँ पे जब मैं आई हूँ ना तो यहाँ के स्टाफ ने पूछा है कि आपके ये रियल नेल्स है, तो मैंने बोला हाँ। सामने दो लोग हैं वो मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, कि एक पीछे भी है और एक मेरे सामने भी है। तो यार मैंने पता है मैंने ना सुबह से अपना फोन चलाया नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ है ना इसकी वजह से मैं चला नहीं पा रही। अब फाइनली मैं चलाने वाली हूँ, मैं लेफ्ट वाले हैंड को ज्यादा यूज नहीं कर पाऊंगी। अरे यार मैं ये चीज देख रहा ना, हाँ हथेली, इससे यूज कर रही हूँ अपना फोन। खोलना चाह रही हूँ, कुछ खुल रहा है कुछ। बताओ ये क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ, बहुत मुश्किल है। फिर मैं टेस्ट करने वाली हूँ कि मेरा ये नाखून कितना मजबूत है, देखते ये हवाओं से ये निकलता है या नहीं। वही निकल रहा था, ये छूट रहा था अभी। मेरे कीमती नाखून अगर गिर जाते तो मेरा क्या होता। वैसे ये टेस्ट में पास हो चुका है। अभी तो तुम्हें एक टास्क करना बाकी है, किचन में जाओ और एक कप उठाओ और कप में पानी भर के पियो। इतना सा काम है बस, कर सकती हो तो करके दिखाओ इन लंबे नाखूनों के साथ, वो भी अपने सिर्फ राइट हैंड को यूज करना है। जाओ जाओ करके दिखाओ। अबे यार ये तो कप ही उठाना बड़ा मुश्किल का काम है। उयल्ला, उयल्ला, हाय, ये इसमें फंस गया, ये इसमें फंस चुका है गाइस। क्या है ये, कौन सा स्टाइल है भाई। तो गाइस अब ये मेरा कप बिल्कुल तैयार है, तो अब मैं जा रही हूँ इसमें से पानी पीने। यार अब मेरे नाखूनों का काम खत्म हो गया भैया, बहुत जीली मैं इस लंबे नाखून में, अब मुझे हटाना पड़ेगा ये। हो भाई ये तो स्किन पे चिपक चुकी है ये देखो। तो बस यहीं पे खत्म होती है मेरी ये वीडियो। अब आप लोग बताना कि आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आपको लंबे नाखून पसंद है या छोटे नाखून। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अब मैं मिलूंगी आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।